भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसका पहला मुकाबला गुरुवार 9 फरवरी से नागपुर में खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के लिए ये सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है। रोड एक्सीडेंट में लगी गंभीर चोट के कारण ऋषभ पंत इस सीरीज में इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने पंत से नाराजगी जाहिर की है। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई आखिरी टेस्ट सीरीज में शानदार बैटिंग की थी। इसके अलावा भी वो टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे, लेकिन दिसंबर 2022 में हुए कार एक्सीडेंट के कारण वो लंबे समय के लिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं। ऐसे में कपिल देव ने पंत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कपिल देव के मुताबिक पंत के चोटिल होने से टीम का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से बिगड़ गया है। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा, मैं उनसे काफी प्यार करता हूं, लेकिन उनके एक्सीडेंट की वजह से टीम का पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है। टेस्ट टीम में उनकी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और टीम में वापसी करें, लेकिन जब मैं उनसे मिलूंगा तो उन्हें जोर से एक चाटा मारूंगा। ये पहला मौका नहीं है जब कपिल पाजी ने पंत को लेकर नाराजगी जाहिर की है। एक्सीडेंट के ठीक बाद कपिल देव ने क्रिकेटर्स को खुद ड्राइविंग करने की जगह ड्राइवर रखने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, आपके पास एक अच्छी दिखने वाली कार है जिसकी गति बहुत तेज है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। आप आसानी से एक ड्राइवर का खर्च उठा सकते हैं, आपको इसे अकेले चलाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोगों को ऐसी चीजों का शौक भी होता है, ये इस उम्र में होना स्वाभाविक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, केवल आप ही अपना ख्याल रख सकते हैं। दरअसल 30 दिसंबर 2022 को भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत एक हादसे का शिकार हुए थे। पंत दिल्ली से उत्तराखंड के रुड़की की तरफ अपने घर जा रहे थे, जहां उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई थी और कार बुरी तरह से जल गई। इस दुर्घटना में पंत भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक्सीडेंट की वजह से ऋषभ की कलाई, कमर, घुटने और सिर पर चोट आई थी। हादसे के समय भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कार में अकेले थे। घटना के बाद उनको देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन मैक्स अस्पताल में इलाज होने के बाद बीसीसीआई ने उनको मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती करवाया था। यहाँ पर डॉक्टर दिनशा पादरीवाला ने पंत की लिगामेंट सर्जरी की थी, जो कि सफल रही थी। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ गरिमा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है रविराज ने। आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।